अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है आज बारिश का मौसम है। पापा पापा अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जलील के बच्चे वीडियो के अंदर आना जरूरी है। पापा इतना प्यारा तो लग रहा हूँ, आ जाऊँ तो क्या है। जलील के बच्चे ये कपड़े कहाँ से लिए तूने? मैंने तो ऐसे कोई कपड़े तुझे लंडे से नहीं लेके दिए थे। पापा जे मुझे घर में मामा ने बना के दिए है इतने प्यारे। हाँ प्यारे बहुत है, बहुत प्यारे है भाई। ओए ये तो मेरी पैंट लग रही है। पापा यही तो मुझे है ना, एक तो आपकी पैंट हमने काटी है और एक तो मेरी पैंट काटी है और एक मामा ने ना अपना जो है ना कपड़ा दुपट्टा काट के मुझे बना के दिए। जलील के बच्चे तेरे पास कपड़ों की कमी थी कोई? पापा वो मैंने मामा को कहा है मैं लंडे के कपड़े नहीं पहनूंगा, मामा ने फिर मुझे ये बना के दिए। जलील के बच्चे इससे प्यारे तो वो थे जो मैं लंडे से लेके आया था। पापा जो प्यारे थे ना वो मुझे पुत्र है। बकवास नहीं कर अच्छा ना। पापा सोली ना, पापा सोली। बकवास नहीं कर ठीक है ना। ये क्या आंखें दिखा रहा है? पापा वो आंखें निकल आती है ना जब गुस्सा आता है तो। बहुत गुस्सा नहीं आ रहा तुझे आजकल? पापा बस आ जाता ना कभी कभी गुस्सा। थप्पड़ मारूंगा ना सारा गुस्सा यहाँ निकल जाएगा। जलील के बच्चे और बता यहाँ पे क्यों आया? पापा वो मुझे 500 रुपया देना। 500 रुपया किस लिए दूँ? पापा वो मैंने वाल कटाने हैं ना। वाल कटाने हैं तो मैं क्यों पैसे दूँ भाई? मामा से लो ना, सुबह मेरी जेब से निकाले नहीं थे उसने? पापा वो तो 100 रुपया निकाले थे और उससे तो दूध लाए थे, हम गरीब हैं और आप हमको पैसे नहीं देते। अच्छा बस अब रोने ना लगा यहाँ पे, ले जा 500 रुपया दबाओ। जलील का बच्चा। पापा वैसे सच बताए कैसा लग रहा हूँ? रीच लग रहा है जलील के बच्चे, इतना मनहूस लग रहा है, दबाओ शक्ल घूम कर यहाँ से। जलील का बच्चा और बाल सही कटा के आई ठीक है ना? पापा बस कटाऊंगा ना सही। हाँ दबाओ मनहूस, इधर मेरे मुंह के आगे चढ़ के खड़ा हुआ है, हट यहाँ से। पापा जाऊं? दफा जलील के बच्चे, हेलीकॉप्टर मंगाऊं तेरे लिए? जी पापा मंगाए ना, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। दफा जा जलील का बच्चा। अभी पता चलेगा ना मुझे जो जलील का बच्चा कह रहे हैं ना इनको, अभी पता चलेगा इनकी नई पैंट जो लाए थे ना उससे मैंने कपड़े बनवाए हैं अपने। इतने तो प्यारे मेरे कपड़े लग रहे हैं। चलो यार वो आम की मोटरसाइकिल खड़ी है और देखो ना शफीक अंकल को हर वक्त कोई तकलीफ होती है ना, खोता अंकल है ये तो, इधर ला के गाड़ी खड़ी की होती है। यार ये दरवाजा खोल जाए ना, हाय हाय शुक्र है। चलो यार अब बाल कटाने जाता हूँ, सामने एक बाल कटाने वाला है, मैंने उससे कहा है यार, मैंने अपने दोस्त से पूछा ना उस दिन कि तू अपने बाल किससे कटाता है, वो तो कहते मैं घर में ही काटता हूँ। मैंने कहा चलो यार ठीक है, दूसरे दोस्त से पूछा वो कहते मैं एक बड़ा फिट बंदा है उससे बाल कटाता हूँ, मेरे पे इतनी फिर लड़कियाँ मरती हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी उससे कटा लूँगा तो फिर मेरे पे भी लड़कियाँ मरेंगी। चलो यार अभी उसके पास जाता हूँ फिर बाल कटाता हूँ। जे सामने उसकी दुकान है पता नहीं किधर, तो मुझे पता भी नहीं है यार इतने मैं तो नल्ला पाऊ ना। चलो यार नाई की दुकान आ गई है, जे ली हम के नाई की दुकान, हम का नाई नहीं है ये, पता नहीं कौन सा मनुष्य नाई है, ये नाई की दुकान है, ये बड़ी महंगी दुकान है, इस पे तो इतने पैसे जो लेता है ना 500 रुपया और इतनी टाइट जो कटिंग निकलता है ये, तो अभी आप लोगों को पता चलेगा। जे बन क्यों की है भाई? भाई दरवाजा तो खोले भाई। भाई आपने कुंडा क्यों लगाया हुआ था अंदर से? बेटे मैंने उस तरह से दरवाजा नहीं खोल रहा, हमकी क्या गलती है? भाई देखे ना आपने कुंडा लगाया हुआ था ठीक है ना, बाजी मेरे बाल काट लें। बेटा मैं बाल नहीं काटती, आप वो आगे चले जाए, वो अंदर आपके बाल काट देंगे हेयर ड्रेसर। मैंने तो आपसे कटाने हैं। जब मैं काटती नहीं हूँ मनहूस बच्चे, जाओ वहाँ से कटवा लो। मैं तो आपसे कटाऊंगा बस। गले ना काट दूं मैं तुम्हारा मनहूस बच्चा। मैं तो आपसे कटाऊंगा बस। बुलाया साजिद भाई इस बच्चे के बाल काट दे। जी जी कह रहा हूँ, चल भी बैठ मोटे जान, मैं तेरे ऊपर बैठा ना तूने उधर ही मार जाना है। चल चल बैठ जा शैवेश, बैठ बैठ चल। ये दोनों तुम मनहूस जो ना गंजे गंजे, एक के तो गंजे से बाल हैं तो काट सा बस। तेरे बड़े प्यारे बाल हैं, बैठ जा इधर। मुझे तूने बनाना है, बैठ अगली पे, ये रिजर्व है अगली पे बैठ। मुझे तूने बनाना है हीरो। बेटा हीरो तो तुझे अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, मैं कैसे बना दूं? हाँ भाई आप तो बोल भाई बहुत अच्छी बात की, सही बात है सही बात। ओ आबिद आबिद भाई जे देखो तुम्हारी अम्मी की तस्वीर इधर लगी है। अबे साले तेरी माँ की तस्वीर होगी, मेरी माँ की तस्वीर कहाँ से आ गई भाई? हाँ भाई बकवास नहीं कर ठीक है ना। जाल इधर फिलहाल आपने क्यों लगी है? मैंने समझा आपकी अम्मी की तस्वीर होगी। नहीं है मेरी अम्मी की तस्वीर नहीं है, ये लौंडों को पसंद आती है ना इसलिए रखी हुई है, तुझे भी पसंद आ रही है ना? हाँ बिल्ली पसंद आ रही है। चल 500 रुपया दे दे मैगजीन लेके घर चला जा। इतनी भी पसंद नहीं आ रही, 500 रुपया कटिंग के लिए तो 500 रुपया लाया हूँ। अच्छा बैठ चल कटिंग का बनाता हूँ तेरी। क्या कटिंग बनाऊँ? मुझे तूने हीरो बनाना है ठीक है ना? फिर वही बात यार, तू फिर वही बात कर रहा है। अच्छा मेरी कटोरा कटिंग काट दे। ठीक है चल बैठ इधर कटोरा कटता हूँ।
मनहूस का बच्चा बाहर के देख रहे, लड़कियां देख रहे। हाँ, रुक जा, मैं सोच रहा हूँ कोई लड़की आ जाती यार, लड़कों वाला सलून खोल लिया, लड़कियों वाला सलून खोलते तो बीच में लड़कियां आ जाती। बेसडम आदमी, पहले मेरी कटिंग कार्ड हीरो बना मुझे। इसकी कटिंग कर ली हम लोग, कहते इसे थोड़े से बाल सेट करती हैं बस। हाँ, वैसे भी काफी देर से वही तस्वीर देख रहा है अपनी नंगी। हाँ, नंगी नंगी तस्वीरें देख रहा है, इसको बहुत मजा आ रहा लगता है। चल बे मोटे बेटा, तस्वीर देख ली तूने, कटिंग पूरी हो गई तेरी। अच्छा, जे सेटिन वेटिन कर दिए, सेटिन वेटिन। हाँ बेटा, शीशे में फर्क नहीं नजर आ रहा, हीरो लग रहा है पूरा तू। हाँ लग तो फिटड़ा हूँ यार, क्या बात है यार तुम लोगों की। हाँ मैं तो यही कह रहा हूँ, हुमायूं सईद की अगली फिल्म तुझे ही बनानी चाहिए बेटा। हाँ हाँ ठीक, मैं ही बना लूंगा यार, बस ये मसला ना हुमायूं सईद कैमरा मेरे ऊपर नहीं लाता ना फिर जलील का बच्चा। नहीं बेटा, अब तू इतना प्यारा लग रहा है, कैमरा तेरे से हटाएगा ही नहीं। चल जा बेटा, अब तू जा घर जा। ठीक है ठीक है भाई, कितने पैसे हुए हैं? ऐसे 500 हो गए बेटा। नहीं नहीं बेटा, 1000 रुपए तो दो ना। नहीं नहीं अंकल जी, ऐसे नहीं होता। 500 रुपए की तूने तस्वीर देखी और 500 रुपए की हमने कटिंग कर दी। 500 रुपए लाए हूं और पापा ने कहा उसमें से डिस्काउंट भी कराना है। बेटा डिस्काउंट इधर नहीं मिलता, वो बड़े पुराने जमाने का डिस्काउंट होता था, अब डिस्काउंट नहीं मिलता, अब फिक्स रेट है। ठीक है, देखे ना प्लीज ना, थोड़े से तो छोड़े ना, पापा को बोलूं मैं कितना समझदार हो गया हूँ। 500 रुपए नहीं लेते तुमसे, हम लेते हैं 499 रुपए। ठीक है माफ, 1 रुपया। चलो 1 रुपया माफ चाहो नहीं, ठीक है ना, बहुत सील ना चाल। एक रुपया मैं कह रहा हूँ ना, फिर 450 दे दो, उधर आपदाबाजी खड़ी है उसको दे दो और फिर जाओ। चलो, आपदाबाजी आपकी बहन है या तुम सबको मेरा रिश्तेदार क्यों बना रहे, तेरी साली है, जा दफा हो यहां से। अच्छा सो ली अंकल, हाफिज। ठीक है बाय। हाँ बेटा, आते जाते रहना, थोड़ी हमारी भी कमाई होती है। अरे कुर्सी तोड़नी है क्या, आराम से। क्या बाय, उठ उठ चल जा निकल। और दोनों मनहूस अपने आप को देखो शीशे में मनहूस। चल बे साजिद, चाय मंगा यार। जे ले बाजी, 100 रुपया। बेटा इधर 450 रुपए की बात हुई है, चलो 450 रुपया निकालो। मनहूस की बच्ची सारा सुन ली थी, दफो जे ले 400। बाय बेटा, बार बार आना। दफो आता नहीं हूँ, बाल बाल। चलो यार, कटिंग तो मैंने कटा ली है, थोड़ा फर्क तो इतना नहीं लग रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं है यार, उनकी मेहनत लगी है, उनका हक बनता है यार, उनके पैसे देने होते हैं, जैसे नहीं होता अगले काम करते हैं। तो मेरी ब्राउन वाली पैंट शर्ट देना। वो ब्राउन वाली पैंट शर्ट की तो मैंने जिमी के कपड़े बना दिए, खराब से तो कपड़े थे आपके, पहनते तो अब थे नहीं। क्या कह रही हो भाई, मैं वो नए लाया था, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के मैंने लाए। हाँ तो आप तो कहते मैं लंडी से कपड़े लाता हूँ, तो लंडी के कपड़ों का क्यों इतना दुख हो रहा है आपको? तो लंडे में क्या ढूंढने नहीं पड़ते, इतनी मुश्किल से मैंने ढूंढे हैं, पता नहीं कितनी शर्टों के नीचे पड़े हुए थे वो। 100 रुपया ज्यादा लिए उस जलील के बच्चे ने मेरे से। हाँ तो मैंने 100 रुपया ज्यादा वाले कपड़े से अपने बेटे का कपड़ा बना दिया, कितना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, मैंने तो इतनी नजरें उतारी उसकी, इतनी चुमिया की उसको। जलील की बच्ची मनहूस, नाश्ता दो आप मुझे, जल्दी करो। जी जी बनाती हूँ नाश्ता, गुस्सा नहीं किया करे ना, गुस्से में आप अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी, वैसे कौन से अच्छे लगते हैं? देखो तुम ज्यादा बड़ी हो हद से, ठीक है ना। देखिए मैं आप ज्यादा फ्री ना हो, आप डांटते रहते हर वक्त मुझे, क्या मेरा कोई हक नहीं है जिंदगी पे कि मैं अपने बच्चों के आपके कपड़ों से अपने बच्चे के कपड़े बना दूं? हाँ ठीक है, ये भी उतार के देता हूँ, कोट शोट उतार के देता हूँ, उससे बनाओ उसके कपड़े, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर आप नंगे घूमेंगे क्या? शर्म करो, कुछ शर्म करो, बेशरम। शर्म तो आपको नहीं आ रही ना, बच्चा आपका जो है वो लंडे के कपड़े पहन के जाते हैं और खुद आप ब्रांडेड कपड़े लेके आते हैं और झूठ बोलते हैं कि लंडे से लाए हो, मुझे तो जैसे पता नहीं है ना ऊपर ब्रांड की चीजें लिखी होती है। ब्रांड की चीजें लिखी होती हैं, मैं लंडे में से ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है ना, कंटेनरों के नीचे घुस घुस के कपड़े निकालता हूँ, ठीक है ना, ज्यादा फ्री ना हुआ करो। तो अपने बच्चे के लिए भी कोई अच्छे से कपड़े लाते ना, उसको आपने ऐसे चपरासी वाले कपड़े ला के दिए। तुम साथ गई थी ना, ले लेती ना, अभी दोबारा ले जाऊंगा लंडे, फिर ढूंढ लेना कोई। नहीं मुझे नहीं ना पहचान, आप बरसों से जा रहे हैं लंडे, आपकी अम्मी अबू भी आपको वहीं से शॉपिंग कराते थे, आपको अच्छी पहचान है। हाँ तो मैं भी वहीं से ढूंढ के लाया था, जलील की बच्ची बकवास नहीं किया करो तुम। आ लेने दे मेरे भाई को, आज मैं बताती हूँ उनको। बताओ जिसको बताना है। भाई को बताएगी जलील की बच्ची, टीवी देखता हूँ यहाँ पे यार, फजूल हरकतें शुरू हो जाती है, रोना आ जाता है फिर जल्दी। जलील की बच्ची वो दूसरा मनहूस, अभी तक बाल कटा के नहीं आया, स्कूल छोड़ने जाना है उसे मैंने, जलील का बच्चा। घर तो आ गए बाल कटा के, पी पी दरवाजा खुल जा, दरवाजा खुल जा, सेम सेम। चलो भाई ये हमारा गैरेज है, और आपको तो पता ही है कि मैं कितना मीड हूँ, और अभी मैंने स्टाइल कराए हैं अपने, देखो यार स्टाइल तो देखो मेरे जरा। पापा दरवाजा खुले, ओहो दरवाजा तो खुला ही हुआ है यार, मैं भी ऐसी टेंशन ले रहा था। मामा मामा। वाह बेटा जिमी, बाल कटवा लिए बेटा तुमने? मामा जी जी मामा। चलो यार पापा को कहते हैं स्कूल छोड़ के आए मुझे। आ गया जलील के बच्चे? जी पापा आ गए हूँ, क्या हुआ पापा, लो क्यों ने?
रो कौन रहा है जलील के बच्चे? पापा मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, रो रहे हैं आप। बकवास नहीं कर, याद नहीं है तुझे उस दिन वाली मार? पापा जा दे पापा, स्कूल नहीं छोड़ना आपने हमको। बाल कटाया है तू? अब ये ना कहीं नाई की दुकान बंद थी। पापा जे मैंने कब कहा है पापा? जलील के बच्चे कटाया है क्या बाल? हैं? ये कटे हुए बाल हैं? ये तू बाल कटा के आया? जी पापा कटा के आया हूँ ना। जलील के बच्चे कटे हुए बाल हैं? कहाँ से इतने बड़े बड़े बाल हैं जलील के बच्चे? पापा बस थोड़े से कटाए, स्टाइलिंग कटाई है, सेटिंग कटाई है, मैंने उसको कहा हमारी सेटिंग काट दें। जलील के बच्चे मनहूस की शक्ल वाले, इधर आ मेरे साथ, मैं बताता हूँ कैसे कटिंग करते हैं। जलील के बच्चे मर इधर। क्या हो गया बच्चे को, क्यों मारे आप, क्या हो गया? मनहूस का बच्चा इतने पैसे लेके गया और बाल ऐसे कटा के आया मनहूसों की तरह। तो आप साथ चली जाती ना, आपको कोई एहसास नहीं है, छोटे से बच्चे को आपने अकेला भेज दिए। तुम तो चुप करो ना, मैं जाता हूँ अभी पूछता हूँ उस नाई से। हाँ पूछे, बच्चों को लूटने बैठे हुए। हाँ तुम्हारा बच्चा खुद लुटवाने जाता है, जलील का बच्चा है मनहूस। पापा मैंने तो उसे बाल कटाने जाता हूँ, लुटवाने नहीं जाता, ठीक ना पापा? बकवास नहीं कर, मनहूस के बच्चे, शाबाश, अंदर, बाहर आ मेरा मतलब। पापा भूल भी जाते हैं आप तो। मनहूस का बच्चा, बैठ जल्दी कर। जी पापा बैठ लूं। पापा वो नाई ना बड़ा अच्छा है, उससे आराम से बात करना आप। क्यों आराम से बात करूं, तेरा चाचा लगता है? पापा चाचू से तो आप आराम से बात करते नहीं है तो। बकवास ना किया कर, मुझे ना सिखाया कर मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। मनहूस का बच्चा। पापा ऐसे ना कह करे ना, बच्चा तो मैं आपका ही हूँ। जलील के बच्चे बकवास नहीं किया कर, ठीक है ना? कहाँ है नाई की दुकान? पापा जहाँ से सीधा जाए ना सीधा, वो तो मुझे भूल गई है। मनहूस के बच्चे मैं उतरूं बाइक से, उतरूं? पापा मैं भी उतर के भाग जाऊंगा इधर से। किधर भागेगा तू, किधर भागेगा? पापा मैं मामू के पास भाग जाऊंगी इधर से, ठीक है ना? बकवास नहीं किया कर, ठीक है ना? बहुत ज्यादा फ्री हो रहा है तू आजकल, किधर है? पापा जैसे सीधा जाने देना सीधा, सामने एक गली आएगी उधर मोड़ आएगा, उधर मेरा दिल छोड़ आएगा। बकवास नहीं कर जलील के बच्चे, बहुत ज्यादा फ्री हो रहा है तू आजकल इस गली में। जी पापा जय ही तो गली थी पापा, जय ही तो नाई था इतना अच्छा, जय ही तो इधर नाई था। एक मिनट, कहाँ पे था यहाँ पे नाई? कहाँ पे था? पापा जे वाली दुकान है, सामने उसकी दुकान है ना, तो उधर इतनी प्यारी एक आंटी भी थी। मनहूस के बच्चे, कौन सी प्यारी आंटी थी? पापा मैंने तो ये बोले ही नहीं आपको, हर वक्त प्याली आंटियों की आवाज आती रहती है। चल शाबाश, उतर उतर नीचे, ये नाई था। पापा आप खुद ही जाके उसे बोलाएं। तुझे क्यों डर लग रहा है, नहीं मारेंगे वो तुझे, जलील के बच्चे ज्यादा फ्री नहीं हुआ अगर। पापा वो दो बंदे हैं, बड़े बदमाश हैं। बकवास नहीं कर, ठीक है ना? मैं सब बदमाशों को देख लूंगा। पापा देखना नहीं होता, मारना भी होता है, ठीक ना? ओ भाई दरवाजा खोलो शाबाश। खोल रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ। मनहूस के बच्चे, ओ मनहूस के बच्चे, तूने कटिंग की है? हाँ जी मैंने की है, बहुत पसंद आई आपको। क्या हुआ ये, क्या कह रही? कह रहे कि कटिंग बहुत पसंद आई है, ये भी अपनी कराने ले आया, छोटा लाया ना जिसकी अभी कटिंग की थी, अपने बड़े भाई को लाया है साथ कटिंग कराने। ओ भाई मैं उसका बड़ा भाई नहीं, छोटा भाई हूँ, ठीक है ना? अच्छा छोटा भाई। ओ झूठ बोले, मेरे पापा झूठ बोले। अच्छा पापा, ओ पापा हो गए इतनी सी उम्र में, वाह क्या बात है, बड़े पास चल रहे हो यार। हाँ वो बस शादी जल्दी हो गई थी। अच्छा बचपन में हो गई होगी। भाई मेरे बाल काट दो भाई। हाँ काट रहे हैं, दो ही हाथ है हमारे, रुक जाओ। मनहूस के बच्चे ज्यादा नहीं बोलो, ठीक है ना? अच्छा ये भाई इसकी कटिंग आपने की है, कैसी बेहुदा कटिंग की है यार, इतनी प्यारी कटिंग की है, देखो बच्चा आपका इतना प्यारा कर दिया हमने। जलील के बच्चे कटिंग तुमने एक बार कैंची भी नहीं चलाई और तुम कह रहे हो कुछ किया है नहीं और कह रहे हो कटिंग कर दिए। नहीं नहीं यार, बच्चे से पूछ लो, पानी लगाया था, हाथ फेरा था बालों में, दो चार जुए भी निकाली हैं। जी जी पापा इन्होंने ना मेरे ऊपर सच में पानी लगाया था, पानी लगाया था। मनहूस के बच्चे पानी लगाया था तो क्या कटिंग हो जाती है पानी से? पापा आपको पता नहीं है पानी आजकल मुफ्त में नहीं आता। हाँ देखे आपका बच्चा सही कह रहे यार, बड़ी अच्छी कटिंग की है मैंने इसकी। बेटा पानी नहीं लगाया तुम लोगों ने, इसको चूना लगाया बच्चा समझ के ना। ऐसी कोई बात नहीं है सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। शाबाश, जो पैसे इसने दिए मैंने उसी के अंदर इसकी कटिंग करो, दोबारा इसका टिंड करो। पापा टिंड नहीं, पापा ये मैंने सेटिंग कराई जो है। हाँ हाँ करो, इसकी टकला सेटिंग करो शाबाश, टकला सेटिंग। चले जैसे आप चाहते हैं सर जी वैसे कर देते हैं, पैसे तो हमारी सर्विसेज पे तो कोई शक नहीं है ना लोगों को। आजा बेटा छोटे आजा, चल तेरा डिंडा करूं। यार प्लीज कर शाबाश, जल्दी आगे। ठीक है भाई, अब आपने इसकी टकला कर देनी है, टकला सेटिंग, ठीक है? हाँ टकला सेटिंग करके भेजूंगा, एक बाल नहीं होगा इसके सिर पे। पापा बाइक तो छोड़ के जाए। बाइक चेक मैं नहीं छोड़ के जा रहा, मोटरसाइकिल में लेके जा रहा हूँ, ठीक है भाई? हाँ ले जाए भाई, आपका अपना बाइक है। मनहूस का बच्चा ये पूरा, देखे कैसे डर गए मेरे आते ही।
बच्चों को ठगियां लगा रहे होते हैं। देखो भाई, बाप तो फिर बाप ही होता है ना। जलील का बच्चा, शर्म तो आती नहीं है। जलील आदमी बाल कटा के आ गया, सेटिंग कराई है भाई, पानी लगाया उन्होंने भाई, बहुत मेहनत की है। जलील का बच्चा, 500 रुपया दे दो, सर पे पानी लगा दिया उसने, 500 रुपया हक बनता है भाई इनका। आगे से मुझे क्या कहता है, पापा आप लोगों का हक खाते हैं। जलील के बच्चे, तू उनको वैसे पैसे बांटता रहे, तेरे बाप की मिले है ना। चलो भाई, घर तो मैं आ गया, अब चलते हैं शोरूम, जब तक ये आता जलील का बच्चा। बल्कि शोरूम क्या जाके करना है, फ्रैंकलिन और ट्रेवर लोग तो आ गए होंगे, तो मैं वैसे ही देख आता हूँ, जरा चक्कर लगाऊंगा शाम टाइम। फिलहाल मैं जरा दोबारा नाश्ता कर लेता हूँ, एक बार तो कर लिया है, तो जब बाहर से आता हूँ भूख लग जाती है यार, क्या करूँ, मेहनती बंदा हूँ, इतनी मेहनत करके आया हूँ। नाश्ता दे दो मेंडा। अभी तो करके गई थी आप, अभी मैंने बर्तन धोने। अच्छा यार, कुछ चाय पड़ी है तो वही दे दो। चलिए चाय बना के लाती हूँ, साथ कुछ स्नैक्स भी ले आती हूँ ना। स्नैक्स नहीं होता वो, स्नैक्स होता है। अच्छा अच्छा, जो भी होता है, खाने ही होते है ना, तो खा लेना। हाँ हाँ, ले आओ तुम यार, ले आओ बस, खुश। हाँ ठीक है ठीक है, चलो टीवी भी देखेंगे साथ में, ठीक है। अच्छा अच्छा, बस ज्यादा फ्री ना हो, काम करने है मुझे। अच्छा अच्छा भाई, ज्यादा ही फ्री हो रही हो, तुम भी सर चढ़ रही हो, ना देखना टीवी अंधी, तुम्हें वैसे भी नजर तो आता नहीं है। भाई वाह, क्या मौसम है कसम से, ये किसकी कॉल आने लगी। जलील का बच्चा फ्रैंकलिन कॉलें कर रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई। हाँ वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, तू जरा शोरूम पे जल्दी पहुंच सकता है। हाँ क्या तकलीफ हो गई, शोरूम पे पहुंचूं। यार ये वजीर आजम आया हुआ है इधर शोरूम पे। हाँ वजीर आजम, कौन सा वजीर आजम भाई। एक ही तो है, शेख शनाखत टकला। अच्छा शेख शनाखत आया है, मैं आता हूँ यार, अभी मेरा दिल तो नहीं कर रहा लेकिन मैं आ जाता हूँ। चलो हाँ जल्दी कर, आ जा यार, गाड़ियाँ वगैरह देते हैं उसको, तो डील फाइनल करते हैं, फिर जरा अच्छे खासे पैसे शैसे बन जाएंगे और क्या। हाँ अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे ऑब्वियसली, फिर मैं एंजॉय करूंगा थोड़ा। तू नहीं करेगा, हम सब करेंगे। अच्छा वो आते हुए समोसे पकौड़े और जो कुछ मिलता है ना रास्ते में, पकड़ के ले आ यार, ठीक है। अच्छा यार ले आऊंगा, चलो बर्गर ले आऊं। हाँ कुछ भी ले आ खाने को, बस ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। हाँ उसका तू ख्याल रखी, ठीक है ना, ये ना हो वो नाराज हो जाए, प्राइम मिनिस्टर है फिर, तुझे पता ही है। हाँ हाँ ठीक है, नहीं नाराज शराज नहीं होता। हाँ ठीक है, चलो मैं फिर आता हूँ। चलो भाई अब ये नई फटीका आ गई है यार, प्राइम मिनिस्टर आ गया भाई, वजीर आजम साहब आ गए, शेख शनाखत साहब, नाम देखो उसका इतना मनहूस वाला नाम है जलील के बच्चे का, मैं जाके पूछता हूँ उसको। खैर मैं क्या पूछूंगा, फिर मुझे जेल में डाल देगा जलील का बच्चा। तो अभी चलते हैं उसके पास, उसको गाड़ियाँ देनी है, उसने गाड़ियाँ मंगाई भी थी पिछले दिनों, मर्सिडीज पता नहीं कौन कौन सी महंगी महंगी गाड़ियाँ हमसे मंगवा ली हैं, आधे पैसे दे के चला गया हमें, आधे पैसे कहता है जब गाड़ियाँ आ जाएंगी तब दूंगा, तो 10 दिनों से आ रहा ही नहीं था, आज शुक्र है आ गया। मुझे तो डर था ये ना हमारे ऊपर ही चट्टी पड़ जाए अब, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आ गया मनहूस का बच्चा। अभी यहाँ से बर्गर ले लूंगा, ये सामने बर्गर वाला ठी है, तो भाई साहब से बर्गर लेते हैं। अब भाई साहब तो है ही नहीं, चलो उठा के वैसे ही ले जाते हैं, कौन सा मसला है यार हमारे लिए। चलो भाई ये रहे बर्गर, ये देखो ये 2 पड़े हैं ना, ये ले जाता हूँ। अबे बर्गर वापस रख, रख बर्गर वापस। जी भाई कौन से बर्गर चाहिए, कौन से बर्गर। साले मेरी दुकान है, तेरे बाप के बर्गर है तू उठा रहे, कौन से बर्गर चाहिए। अच्छा अच्छा मैं यही तो देख रहा था, आप कहाँ गए, इतने अच्छे बर्गर बनाए हैं आपने और कहाँ चले गए। अच्छा आपकी दुकान है, चले दे मुझे बर्गर 2। बस 2 चाहिए। हाँ 2 ही चाहिए, हैं ही 2 आपके पास, दे दें बस, बहुत है। अच्छा चले 2 ही ले लो, वैसे और भी पड़े हैं मेरे पास, चलो ले लो जाओ 2। ठीक है चले, ठीक है। अबे पैसे तो दे दो। ये लो यार मनहूस के बच्चे, एक तो इतने मनहूस हो तुम, ये लो ये लो ये लो ये लो, धक्के ना मारो, सर बहुत चढ़ते हैं एक तो आजकल लोग। ये मुझे इतना गुस्सा है ना मर्सिडीज के, मैंने टायर फाड़ देने तुम्हारी। ये मर्सिडीज नहीं है भाई, लैंड क्रूजर है, मनहूस के बच्चे बड़ी गाड़ियों के एक ही जैसे नाम होते हैं। मनहूस का बच्चा बोलता रहेगा पीछे से, जलील का बच्चा। चलो अब पहुंचते हैं शोरूम। चलो भाई शुक्र है मैं आ गया शोरूम पे। चलो भाई ओए होए क्या सिक्योरिटी है, ये मुझे ही ना ठोकते हैं, आराम से चलो। वो देख माइकल आ गया, ड्राइवर। हाँ माइकल आ गया, माइकल यार देखे सिक्योरिटी, ऐसा प्रोटोकॉल हमारा होना मजा आ जाए। हाँ यार सिक्योरिटी तो बड़ी है यार पीएम की। हाँ अंदर बैठा शेखू, चला चलते। शेखू क्या छोटा भाई है, उसके सामने ना बोली। नहीं नहीं ऐसे मैं बड़ा सयाना हूँ। आ जाओ शाबाश। चलो यार अच्छी खासी सिक्योरिटी दी हुई आज तो इन्होंने। यार कहाँ रह गए, अभी तक तो आए नहीं लौटे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है पीएम साहब। वालेकुम सलाम, कैसा है यार माइकल, तू गाड़ियाँ देखने आया था यार, पहुँचाई नहीं तुम लोगों ने, मैंने कहा खुद आ जाऊँ लेने।
जी जी इनको तो भेजे ना यार, ये तो साथ ही होते हैं, अब जीना होगा मरना होगा साथ ही होगा। यार इनसे मुझे डर लग रहा है, देखें। डरो मत यार, अब नहीं बनने हैं, क्या हो गया, तुम क्यों डर रहे हो वैसे ही? जी जी भाई डरे नहीं, ठीक है हमारे साथ बैठ जाएं, कोई बात नहीं। हाँ तो मैं उठा लो साले इसको, साले। सॉरी सर। अच्छा तो सर वो मैं कह रहा था चाय शाय पियेंगे? नहीं नहीं छोड़ो यार, चाय शाय मैं कहीं से नहीं पीता, कहीं ऐसे जहर ही ना पिला दो मुझे। वो गाड़ियां वगैरह दिखाओ यार, कौन सी बुलाए हो मेरे लिए? फिर आ जाएं, बाहर आ जाएं आप, आ जाएं। चलो मैं आ रहा हूँ ना। आ जाएं आप। हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। इनको सिक्योरिटी टाइट रखो भाई। जी टाइट है सर। सर आपको दिखाएं सर ये गाड़ी की ड्रिफ्टिंग? नहीं नहीं ड्रिफ्टिंग की दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जरा गाड़ी दिखाओ कौन सी वाली है। ये वाली गाड़ी है सर, ये मैं आगे ले आता हूँ, एक मिनट आप उधर ही खड़े रहे, कोई मसला नहीं आपके। यार मसला टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है यार। हाँ ले आओ, आगे ले आओ, कोई मसला नहीं है। हाँ तू कौन सा आ रहा है मनहूस के बच्चे आगे? चलो भाई छन्नो की नंबर प्लेट भी लगवा दी है सर हमने। वाह वाह क्या काम किया यार तुम लोगों ने, क्या काम किया यार लड़को। अच्छा यही वाली दे दो मुझे फिर, हाफ पेमेंट है ये दे लो इससे, ये खड़ा है जो मोटी आवाज वाला। ए मोटी आवाज वाले, सॉरी ड्राइवर। मैं क्या कर रहा है? ओए यार तूने ड्राइवर को गिरा दिया, मुझे भी ना गिरा दे, मेरे घुटने तोड़ दिए तूने। ध्यान से यार, मुझे तो ऐसी टक्कर मारी मैं तो फिर उठ भी नहीं सकूंगा। ध्यान से। नहीं 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 प्राइम मिनिस्टर सर आपको नहीं मारता, सोचना भी नहीं, आप तो वजीर आजम है सर। आए सर आपको राइड देता हूँ एक किसकी। नहीं नहीं शुक्रिया, बस गाड़ी पैक कर दो तुम लोग। नहीं सर आ जाए सर। नहीं नहीं गाड़ी पैक कर दो, उतरो नीचे चलो शाबाश। यार एक तो मजे ले रहा था अभी गाड़ी के थोड़े। अच्छा सर पैक किसके अंदर, शापर के अंदर कर दूं? नहीं यार शापर के अंदर नहीं, लिफाफे के अंदर करो, जरा ठंडी नहीं होगी ना जाते जाते तक। बहुत ठंडे लतीफे मारते हैं भाई आप। ऐसे ही लतीफे तकरीरों में भी मैं सुनाता हूँ, अच्छे लगते हैं लोगों को। ज्यादा फ्री नहीं हो सर के साथ, लतीफों के साथ साथ गोली भी मारते हैं। हाँ, गोली भी ये लोग मार देते हैं। सर कैसे आप इतने अच्छे लतीफे सुनाते हैं सर, आपको कॉमेडियन होना चाहिए सर। मैं क्या बोलूं सर, शर्म नहीं आती तुम लोग, तमीज से बात करो। शर्म नहीं आती तुम लोग को, अच्छा बस कर दो ना यार तुम लोग, थोड़ा रोब झाड़ो, इनसे जरा बात करने दो। पता है मैं शायरी भी करता हूँ आजकल, मैंने एक नया शेर लिखा है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। वाह वाह सर वाह वाह, आगे क्या लिखा है सर आपने? आगे कल लिखूंगा, बाकी सुना दूंगा फिर आपको। सर मैं भी वैसे शायरी करता हूँ थोड़ी। हाँ हाँ लिख के दो, तकरीर करनी है मैंने तो, कोई दो चार शेर लिख के दे दो यार। हमारी गाड़ी का पंक्चर है टायर। वाह 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 वाह, हमारा पीएम है इतना कायर। क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? देखे मैंने तो शायरी कही थी। अच्छा ज्यादा इधर, अब मैं गाड़ी दे जाऊंगा, चुप हो जाओ। अच्छा अच्छा सर, अब गाड़ी लेके आप जाए ना, पैसे दे हमें। पैसे ले लो ये, इससे ले लो ये गंजे, पैसे दे दो इसको, ठीक है चलो गाड़ी पैक करो, ये गाड़ी में, इसी गाड़ी में आऊंगा आज। सर बैग तो अंदर पड़ा हुआ है। तो ले आओ ना यार, क्या हो गया? अच्छा सर वो दूसरे को कहता हूँ, आपकी सिक्योरिटी मैं नहीं छोड़ सकता सर, ऐसे आपको सेफ रहना पड़ेगा। हाँ ये इस बांदर के पास छोड़ के भी नहीं जाना मुझे, बांदर बड़ा तेज है, टांगे शांगे निकाल के मार जाते, चकियां वट लेता है बंदे को। सर देखे मैं ऐसे तो कभी नहीं करता सर। अच्छा मैं ज्यादा रो नहीं अब। चलो भाई पैसे देने इसको, ये पता नहीं कहाँ से गाड़ियाँ लेते हैं सर। यार सर को बोला भी है छोटे मोटे शोरूम में से गाड़ियाँ ना लिया करो, फिर यहाँ से गाड़ियाँ ले रहे हैं, अजीब नालायक से लोग हैं, गंदा सा शोरूम है। हाँ भाई आ गया तू, दे देगे सर को ब्रीफकेस। जी सर देख लें ध्यान से, सब कुछ सेट है ना? क्या समझा रहा है भाई तू? सर कुछ नहीं समझा रहा, ये भाई आपके पैसे है ना, ये लें भाई पैसे। हाँ हाँ रख दो रख दो यहाँ पे, शाबाश, ज्यादा होशियार ही नहीं करना, यहाँ पे रख दो। अभी क्या माइकल, हल्का हो जा साले, हल्का हो जा। जी सर कोई हल्का ही हूँ सर। ठीक है माइकल भाई, ये आपके आगे पैसे। हाँ ठीक है चलो मैं गिन लेता हूँ, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, तसल्ली कर लें आप। चलो यार मैं तो चलूँ अब। ओहो सिक्योरिटी करनी है इनकी गाड़ियों की, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके इस चीप से एरिया में आ जाते हैं यार, फिर डर लगता है बंदे को। खैर हमसे डरती है दुनिया, दुनिया से हम नहीं। कैसे फजूल शेर मार रहा हूँ यार, सौ रुपया और ये सौ से ऊपर है बेटा, हजार हजार के नोट है, तुझे क्या सौ सौ दिख रहा है? यार प्रेसिडेंट सर मुझे सौ से ऊपर नहीं आती गिनती। फिर बेटा उन दोनों लड़वजों को बुला ले, वो लोग गिनने की लफंगे। उनको तो दस तक आती है सर, वो मेरा बेटा आएगा वो गिन लेगा। चलो ठीक है फिर, क्यों टाइम जाया करे हो पैसे गिनने में, मेरे लायक को खिदमत हो तो बता दो। सर आप मेरे पैर दबा दें बस। जलील के बच्चे गला ना दबा दूं। ओए सर मजाक कर रहा था, सर मजाक कर रहा था बस सर। अब आप जा सकते हैं, गाड़ी लें, ये पेपर्स हैं रेडी है, सब कुछ, जबरदस्त गाड़ी चलाएं।
हाँ ठीक है ठीक है, अल्लाह खुश रखे आपको, नसीब हो आपको ये गाड़ी। आमीन आमीन। अच्छा मेरी छन्नों के लिए दुआ करना। जी जी दुआ करूंगा, बस मैं पैसे गिन लूं 100 रुपए। बस कर दे यार, बस कर दे। अच्छा सर अल्लाह हाफिज। चल ठीक है अल्लाह हाफिज। तुम लोग पिछले वाली गाड़ी में बैठ के आ जाओ जो आगे वाली है। सर आपकी क्या गाड़ियां भाई। हाँ क्या गाड़ियां नहीं है, नाम है इनके, नाम बताओ भाई लौंडो। मर्सिडीज है, एक मर्सिडीज है, दूसरी लैंड क्रूजर। सर मैंने यही घुसना है क्या, अगली गाड़ी में जाओ, चलो चलो जाओ। जी जी सर बैठ रहे। साले जलील किया हुआ है। चलो भाई मेरी गाड़ी होगी, दरमियान में आगे भी एक गाड़ी होनी चाहिए और पीछे भी एक गाड़ी होनी चाहिए। सर एक आगे हो जाएगी एक पीछे, ठीक है सर। वाह सर क्या प्रोटोकॉल है ना फ्रैंकलिन। हाँ यार मजे है कसम से, आपकी जिंदगी है ना, हम लोग क्या क्या जिंदगी नहीं हमारी कोई। हाँ यार सही बात कर रहे तू। बस बस ज्यादा नजर ना लगाओ, अब जाने भी दो। मैं तुम लोग का हीरो ही बन गया हूँ बिल्कुल। हाँ सर हाँ हीरो है बहुत। आराम से गाड़ी निकालो भाई आराम से। निकाल लें। चलो भाई नई गाड़ी आज खुद चला के लेके जा रहा हूँ, चेक तो करूँ भला। छन्नो को देनी है तो गाड़ी पहले टेस्टिंग तो होनी चाहिए ना, टेस्ट ड्राइविंग कर रहा हूँ। चलो भाई छन्नो आज तुम्हारी। अबे ठोक दो सालो, ठोक दो तुम लोग। सिर लगी नहीं वैसे खरो चाहिए। सालो तुम्हारे सर पे गाड़ी चढ़ाता हूँ मैं, सबर करो। शेख शनाखत से पंगे ले रहे हैं, मनुषो आ जाओ। सिर वो हम गाड़ियों की रेसे लगा रहे हैं। छन्नो इंतजार कर रही है मेरा, केक शेक मंगाया हुआ है उसने। अभी लोग मुझे हैरान हो के देख रहे हैं कि शेख शनाखत का गलियों में घूम रहा है। भाई गलियों में नहीं घूम रहा, अपनी गाड़ी में घूम रहा हूँ। देखो देखो लोगो ऑटोग्राफ कॉमेडी करते हैं। हाँ यार क्या तू हंसता है ना तो मुझे खुद हंसी आ जाती है, इतना अच्छा जोक नहीं होता वैसे जितना तू हंस पड़ता है ऊपर। सर ये तो है। अच्छा वो बात सुन, एक सेकंड, मेरा घर का रास्ता किधर है यार। सर आगे जाए ना, अभी नया घर लिया आपको पता ही नहीं है। ज्यादा हंसनी, जिन बातों पे कहूँ बस उन्हीं पे हंसा कर। ठीक है सर, इस पे हंसू। इस पे नहीं हंसना था साले। अच्छा सर सॉरी। सर हंस रहा है साला, इसको मैंने हंसने के लिए ना खराब है तो अब क्या कहूँ मैं तुझे, उल्टा आदमी। अच्छा चलो सर आपकी सोच जो उल्टी है। छन्नो की कॉल आ रही है, रुक कॉल उठा दो। तू ये जरा स्टीयरिंग पे हाथ रखी, ठीक है? जी रखा है, हाथ रखा है। हाँ हेलो छन्नो। जी हेलो शनाखत, क्या हाल है? यार शनाखत नहीं बोला करो यार, जानू बोला करो मुझे। जी शीखू क्या हाल है आपका? हाँ मैं ठीक हूँ यार, वो तुम्हारी गाड़ी लेके आ रहा हूँ। तो कौन सा कलर तुम्हें पसंद है? मुझे ब्लू। हाँ ब्लू कलर की गाड़ी ला रहा हूँ, देखो तुम्हारी पसंद का बड़ा पता है यार मुझे। ठीक है ठीक है, जल्दी आओ शाबाश। आ रहा हूँ आ रहा हूँ, केक शेक बेक करके रखो ना, ठीक है? हाँ बेक शेक नहीं, बाहर से मंगाया मैंने। हाँ अच्छा कर दिया, ये तो बहुत अच्छा कर दिया, खुद बेक करती तो हम दोनों ने ही बेक हो जाना था। जो तुम अच्छे केक बनाती हो, बहुत अच्छे होते हैं ईमान से। बुढ़ा खाएगा ना शुगर से मर जाएगा। क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रही यार, वो कान का आला घर छोड़ा है ना अपना। अच्छा अच्छा ठीक है, देती हूँ घर आओ ना केक देती हूँ आपको। हाँ चलो ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ, बस घर ही पहुँच रहा हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी सर? क्या कह रही थी, तेरी माँ लगती है तुझे बताओ। सर वैसे पूछ रहा हूँ यार, सर आप तो नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाता हूँ यार, मेरी बीवी है, तू कैसी बातें कर रहा है? सर बीवी नहीं है। बीवी है साले, निकाह पढ़ाया हुआ है, तू क्या समझ रहा है? अच्छा मैंने समझा जानू है आपकी। बीवी जानू नहीं हो सकती क्या? जानू मानू होगी सर। अच्छा सर इधर से नीचे की तरफ जाता है आपका घर? नीचे की तरफ जाता है, तुझे खुद कुछ पता नहीं है साले, उनको कॉल कर, वो जो पीछे खड़े हुए हैं। ये आगे है ना सर, ये आगे है ना वो लैंड क्रूजर वाले। ये देखो ये मेरी गाड़ियां बर्बाद करने फिर रहे हैं बस आज। ओ देखिए ठोको साले, ठोको तुम लोग, बर्बाद कर दोगे मुझे, ठोको तुम लोग। सर सही ठोक रहे हैं आपकी गाड़ियों को, बाप का पैसा। मैं तुझे ठोकता हूँ सारे सबर। एक मिनट सर, मेरी छन्नो की मर्सिडीज बर्बाद हो गई, छन्नो मुझे छोड़ेगी नहीं। सर वो ड्रिफ्टिंग करें थोड़ी। यार जवानी के दिनों में मैं क्या गाड़ी चलाता था, ईमान से दरख्त उखाड़ के ले जाता था सामने से। जी जी सर, बाल भी उखड़ के। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, वो कह रहा हूँ घर चलते हैं। सर आपका घर आ गया, ये रहा आपका प्यारा घर। हाँ हाँ अंदर नहीं हूँ, चला जाऊंगा अंदर खुद ही। चलो भाई अब अल्लाह करके छन्नो को ये डेंट वेंट नजर ना आए जो मैंने मारे। अल्लाह ईमान से क्या घर बनवाया यार मैंने, देखो तुम लोग आंखें ठंडी। अबे पहले ये दीवार देखो, ऑटोमेटिक दीवार लगवाई थी, ऊपर नीचे हो रही है काली दीवार। चलो भाई आगे गाड़ी बढ़ाओ। सर ये ग्राफिक का मसला है रे। अच्छा अच्छा कोई मतलब नहीं है, ग्राफिक का मतलब आता रहता है घरों में अक्सर। चलो आगे चलाओ गाड़ी बढ़ाते हैं। चलो भाई दीवारें ऑटोमेटिक गायब हो रही है सर।
कोई मतलब नहीं बेटा, ये दीवारें भी ऑटोमेटिक है, सब ऑटोमेटिक लगा हुआ है, मैं भी ऑटोमेटिक हूँ, कपड़े भी मेरे ऑटोमेटिक है, कोई पता नहीं कब गायब हो जाए। बेशरम सर। पता नहीं कैसे मोड बनाते हो यार तुम लोग के, पता नहीं ग्राफिक नहीं चलते, पता नहीं क्या हो रहा है, छोड़ो कुछ नहीं होता। ये देखे सर आपका, अल्लाह अल्लाह, छन्नो किधर है, छन्नो छन्नो माय डियर वाइफ, छन्नो मिसेस शनाखत, कहाँ गई आप, आ जाओ ना, किधर हो यार, ताली किधर चली गई यार, बुड्ढा आ गया, बड़ा आया बुड्ढा, छन्नो छन्नो, अरे शीख जानू, जल्दी पहुंचो, आज आज क्या है तुम्हें पता है, आज तो इतवार है, इतवार नहीं है, हैप्पी बर्थडे टू यू है, हाँ आज तो मेरी बर्थडे है, वाह 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 वाह, क्या बात है, चलो आओ तुम्हें मैं गाड़ी दिखाता हूँ, वो बाहर तो देखो क्या आया है, वो देखो अंधी नहीं हूँ, देख लूंगी, वो जवान चल रही है तुम्हारी, फनी ना बनो तुम, अच्छा आपकी तरफ फनी होगी ना थोड़ी सी, अब गाड़ी ड्राइव कर लूँ, मैडम गाड़ी पसंद आई आपको, हाँ बहुत पसंद आई, मनोज तुम कहाँ बीच में बैठ रहे हो, मैडम मैं आपके साथ बैठूंगा, आपकी हिफाजत करूंगा, मनोज बुड्ढा एक बुड्ढा, आराम से छन्नो, जानू कहीं पुल में ना गिरा दियो गाड़ी, नहीं नहीं कुछ नहीं करती, आराम से दरवाजे तो बंद करने नहीं आते, आराम से चलाएगी ये, अंदर ले आऊं, हाँ अंदर ले आओ, मेरे सर पे लाके इसको पोर्च कर दो, यार एक तो तुम भी बहुत बकवास करती हो, एक मिनट आ रही हूँ ना, बातें बहुत नहीं आती तुमको छन्नो, सॉरी ना, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत प्यारी गाड़ी है, कहाँ से लाए आप, ये बड़ी अच्छी मेरे दोस्त ने दी है मुझे, हाँ तो केक शेक काट लेते हैं, ठीक है, अच्छा केक तो मैंने बनाए नहीं, बाहर से पेस्ट्रियां मंगाई हैं, पेस्ट्रियां क्यों मंगा ली यार छन्नो, तुम्हारी बर्थडे और तुमने छोटी छोटी पेस्ट्रियां मंगा ली, बड़ा केक मंगा दी यार तुम, वो अभी दुकाने नहीं खुली थी ना, क्या करते, दुकाने नहीं खुली थी, ये मनहूसों को भेजे यार, गए वैसे ही, मनहूसा सालो, जाओ बड़ा केक लेके आओ, चलो जी सर लेके आ रहे हैं, ठीक है एक मिनट सर, बड़ा आया यार, ये तो सही तमाशा है इन दोनों का, मजी केक खाते हैं छोटी वाली। तुम्हें गाड़ी पसंद तो आई है ना छन्नो, जी बहुत पसंद आई है, आज इसमें घूमने जाएंगे हम, हाँ जरूर घूमने जाएंगे, घूमने क्यों नहीं जाएंगे, तुम कहोगी तो जरूर जाएंगे यार, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज, बाहर जाके समोसे पकौड़े एंजॉयमेंट करेंगे, ठीक है, हाँ गोलगप्पे भी खाएंगे, अच्छा मैं माइकल को जरा थैंक यू वगैरह बोल दूँ, उसकी वजह से तो तुम्हें गाड़ी पसंद आ गई है, चलिए ठीक है आप बोल लें, बड़ी अच्छी गाड़ी दी उनको बोलना, हाँ ठीक है तुम्हारे भाई को बोलता हूँ, जी जी है, किसी को मेरा भाई बना देते हैं आप, हाँ तो क्या नहीं है तुम्हारा कोई भाई, हाँ सब भाई है मेरे, मेरे अलावा आपके अलावा, चलिए कॉल करें, थैंक यू बोले, बस बाद में कर लूंगा ना, पीछे पड़ गई हो यार तुम तो, अच्छा आप खुद बोल रही थी, चले ठीक है, चलो भाई अब मैं पैसे लेके चलता हूँ, ठीक है, हाँ बेटा सही है, तू निकल जा इधर, बंटा हिस्सा, चल चल भाई, आधे आधे करते हैं, चलो क्या बंटा, पैसे मैंने लगाए हैं तो, क्या लगाए भाई तूने, पैसा लगाया तो एहसान किया, हमने नहीं गाड़ियाँ ठोकी थी, गाड़ियाँ ठोकी थी तो मेरे पे एहसान नहीं किया था, ठीक कराई, इतने पैसे लगाए मैंने, बस सही है फिर हम चले जाते हैं अभी, हाँ शोरूम छोड़ के चलते हैं फिर, हाँ चलो जाओ शाबाश, मैं पैसे दे, पैसे तो लेके जाएंगे, मारना पड़ा ना तुझे तब भी लेंगे तुझसे पैसे, अभी अमांडा बाजी को कॉल करके बताता हूँ, सारे पैसे निकलवाती है तुझसे, एक तो तेरी बहन से शादी करना ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, बैठ मनहूस के बच्चों बैठो दोनों, हाँ बैठ रहे हैं, अब आया ना लाइन पे, ट्रीट भी लेंगे तुझसे, ट्रीट भी लेंगे, ड्राइवर तो भाई है इस वजह से लिहाज करता हूँ, तू साला तेरा लिहाज नहीं करूंगा, थप्पड़ मार जाऊंगा तुझे मैं किसी दिन, ना बेटा लिहाज ना कर फिर, अमांडा बाजी जो तेरे साथ करेगी ना वो तू देखी बस, हाँ वो क्या होगा फिर, बैठ, वो मैं बताऊंगा फिर तुझे, अच्छा ना साले साहब बैठ जाओ यार, ना दवा सेक के उसके ऊपर बिठाएंगी तुझे, नाराज नहीं हो, ताले शाले लगा शोरूम को, बैठो मरो अंदर, नहीं है मुझे तो यार डर लगता है कोई बच्चा शीशे तोड़ जाएगा पत्थर मार के, नहीं नहीं कोई नहीं तोड़ेगा, सिर्फ ऐसे काम ना तेरा भतीजा ही कर सकता है, जलील का बच्चा, ओ साथ जिमी क्यों नहीं आया भाई आज, आज वो बाल कटाने गया हुआ था, सलील का बच्चा बाल कटा के आया है और एक बाल भी नहीं कटा हुआ था, मैं वापस गया हूँ, मैंने कहा टकला करो भाई नाई साहब इसका, ये ऐसे ही होते हैं यार नाई, बच्चों को ना भेजा करो, सौदा लेने जाते हैं ना बच्चे तो इनसे पैसे भी ले लेते हैं और काम भी नहीं पूरा करते, अच्छा नाइयों से सौदा लेने जाते हैं, सही सही, हाँ मतलब सारे दुकानदार ऐसे होते हैं ना, नाइयों से बस बातें पकड़ा कर तू मेरी साले, मनहूस काली शक्ल वाले मुँह से बड़ी तेरी नाक है, जलील के बच्चे शर्म तो तुझे आती नहीं है, हाँ तो अब नाक बड़ी है तो क्या शर्म करना शुरू कर दूँ, क्या करूँ नाक पे कपड़े चढ़ा लूँ, मक्कार आदमी नाक कटवा ले अपनी, तेरी ना कटवा लूँ नाक में साले, अबे बस करो लड़ाइयाँ शुरू कर दो फिर तुम, हाँ तू अपने पैसों के चक्करों में सुलह करवा ठीक है ना, हाँ तो सुलह होगी तो तभी बराबर का हिस्सा बढ़ लेंगे ना यार, जलील आदमी मनहूस, चलो घर चलते हैं, कुछ खाते हैं, रस्से से समोसे ले लें कोई,
अच्छा यार, मैं सोच रहा हूँ छुट्टियों में कहीं घूमने फिरने ना जाएं। हाँ घूमने फिरने वो चलते हैं ना, उधर किधर होता है नारायण करान, नहीं नारायण का हान होता है ना, उधर चलते हैं नारायण करान। बहुत हंसी आई भाई, नाक से बड़ी बात कर रहे तू, औकात से बाहर जा रहा है भाई तू। नारायण करान तो नारायण करान में मेरी औकात है भाई, वहां तक तो मैं अकेला भी चला जाता हूँ। भागता भागता ये पास में घर के पास जो नाला है ना, उसे नारायण करान नहीं कहते, ठीक है ना, जहाँ तू भाग के चला जाता है। अबे नाले के पास मैं नहीं जाता भाई, वहाँ तेरा भाई जाता है ये सिगरेटे पीने, आधी रात को इधर बैठा होता है चरस के टीके लगा के। अबे झूठे आदमी, टीके तो तू ही ला के देता है इसको। हाँ ला के देता हूँ, पैसे जो देता है प्रॉफिट देता है, फिर मैं वो ला के दे देता हूँ, पाउडर के टीके चरस के टीके। चलो भाई घर आ गए हम लोग। हाँ घर आ गए, हमें पता चल रहा है। हाँ पता चल रहा है, पता चल रहा है मनहूस। कुर्सियाँ किसने बाहर रखी है, यहाँ से चोरी होगी ना तो किसका जिम्मा होगा। ओए खोते दरवाजे को क्यों मार रहा है काले। अब तूने बड़ी अच्छी जगह जाके वो कार खड़ी की है, उधर से तो लगनी ही थी, अब मैंने बाहर निकलना तो कार को तो लगेगी। और ये जो तू ये गाड़ी किसकी खड़ी है भाई। ये शफीक की है, शफीक भाई उनकी बीवी है तो वो खड़ी कर जाती। अच्छा बड़े चक्कर शक्कर चल रहे हैं तुम्हारे। किसके चक्कर चल रहे हैं फ्रैंकलिन भाई। ओ बाजी कुछ नहीं, वो ये ड्राइवर के चक्कर चल रहे हैं। हाँ इसके बहुत चक्कर चलते हैं मनहूस, और ऊंचा बोल दे जहरीला आदमी। और मुझे क्या पता था बाजी सुन लेगा। चल ड्राइवर ठीक है, हिस्सा शिस्सा ले ले, और तू भी चल, और फ्रैंकलिन तू भी चल, जाओ तुम दोनों हिस्सा शिस्सा ले लो, और फिर कल चलते हैं, तैयारी कर लेना, सुबह सुबह चलेंगे नारायण टारान। हाँ ठीक है, नारायण का खान जाएंगे। हाँ नहीं नारायण टारान तो चले जाएंगे यार, हिस्सा तो मैं ले ही लूंगा, वो तो तुझे बताने की जरूरत नहीं है, खाना मैं खा के जाऊंगा। अच्छा मनहूस खा रहे हैं, चलो दोनों खा के जाना, बैठ जाओ। मामा मामा। जी बेटा। मामा मुझे पैसे दे बिस्किट लाने। बिस्किट शिस्किट बाद में लाना, वो मामू और चाचू आए, जाओ सलाम करो, चलो शाबाश। यार ये सही ड्रामा ना, मामू और चाचू क्यों आए हैं। वाह जिमी बेटा कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह तू। हाँ ना मामू कैसे प्यारे प्यारे लग रहा हूँ। बेटा ये फिर लंडे से शॉपिंग करके आया। नहीं जी ये आपकी बहन ने, मेरी मामा ने बनाए प्यारे प्यारे कपड़े। अच्छा अच्छा तभी मैं कहूँ इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है तू। मेरे कपड़े फाड़ के उसने मनहूस से कपड़े इसको सिलाई करके दे दिए जलील की बच्ची ने। अबे किस चीज के टेक्सचर बनाते रहे हो यार। वैसे काफी टैलेंटेड है मेरी बहन, देख ना चार पांच जो पेंटे शर्टे फाड़ के तो उन्होंने कैसे एक सूट बनाया। उन्होंने कहा है ये ऊपर एक ट्रैवल चाचू की शक्ल है और एक हमारे फ्रैंकलिन मामू की। मेरी कहाँ शक्ल है भाई। ये जो बनी है पीछे, एक पीछे आपकी और सामने आपकी और पीछे ट्रैवल चाचू। जा कुछ खाने पीने को लेके आ, चल बस भूखा खड़ा हूं मैं। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, ऊपर बिस्किट ले आना, ये ले पैसे ले 20 रुपए। 20 रुपए से नहीं आते है, ठीक है ना 100 रुपया दें। 100 रुपए यार इतना महंगा हो गया बिस्किट। महंगाई होगी है ठीक ना। चल ठीक है ये ले 100 रुपए पकड़ यार ले आ। ठीक है ड्राइवर चाचू, चल आपके लिए मैं लेके आता हूँ फिर सुपर बिस्किट। चलो यार सुपर बिस्किट इनके लेके आते हैं। और सुबह तो हम नलान टलान जा रहे हैं, मेरे पापा ने बताया मुझको। हाय हाय मामा। हाँ बेटा क्या हो गया। कल हम नलान टलान जाएंगे ना। बेटा नारायण टरान तो नहीं होता यहाँ पे। वो होता है ना पापा ने कहा है। बेटा वो बहुत दूर है, नारायण टरान नहीं जा सकते हम। पापा ने कहा घूमने जाना है, मुझे नहीं पता जाना है हमने बस। अच्छा चलो फिर मैं तुम्हारी पापा के और कपड़े काट के ना तुम्हारी और कपड़े सी देती हूँ। हाँ ना उधर सर्दी होती है नारायण टरान में, इतने प्यारे प्यारे तो आपने कपड़े सीने हैं मेरे। हाँ बेटा कितने खूबसूरत लग रहे माशाल्लाह। जी बेटा अभी तक गया नहीं तू। जा लूं जा लूं।